नमस्कार, आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 नीति निर्जर। इस पाठ में हम रहीम दास जी के दोहे पढ़ेंगे, तो चलिए पढ़ते हैं। पहले पाठ परिचय। कवि रहीम के नीति संबंधी दोहों में जीवन के गूढ़ रहस्य छिपे हैं। ये हमें सही गलत की पहचान तो सिखाते ही हैं, समाज में सबके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए उसकी भी शिक्षा देते हैं। बच्चों, दोहे हमें कुछ ना कुछ सीख अवश्य देते हैं, तो चलिए पढ़ते हैं रहीम दास जी के दोहे। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सके कुसंग, चंदन विश्वव्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। अर्थात कबीर दास जी कहते हैं कि जो लोग अच्छी प्रकृति के होते हैं, यानी अच्छे स्वभाव के होते हैं, बुरा साथ भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या कि जिन लोगों का स्वभाव अच्छा होता है, अगर बुरे लोग भी उनके साथ में रहें तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जैसे चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन में जहर नहीं होता। देखा है बच्चों आपने चंदन का वृक्ष? चंदन के वृक्ष पर खुशबू होती है और चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे हुए रहते हैं, और आप तो जानते ही हैं कि सांपों के अंदर जहर होता है, लेकिन जो चंदन का वृक्ष है वो सांपों का जहर उस वृक्ष पर असर नहीं करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें अपने चरित्र को इतना बलवान बनाना चाहिए कि उस पर किसी भी बाहरी ताकत का प्रभाव न पड़ सके। ऐसा कब होगा? जब हम अपने चरित्र को बलवान बनाएंगे। तो चलिए दूसरा दोहा पढ़ती हूँ। तरवर फल नहीं खात है सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचय सुजान। एक बार फिर से दोहराती हूँ दोहा, आप भी मेरे साथ उच्चारण कीजिए। तरवर फल नहीं खात है सरवर पियत न पान, कह रहीम पर काज हित संपत्ति संचय सुजान। रहीम दास जी कहते हैं कि वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाते हैं, ना ही तालाब अपना पानी स्वयं पीते हैं। तरवर मतलब पेड़ और सरवर मतलब तालाब। तो सरवर पियत न पान यानी सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीते हैं, ये तो दूसरों की भूख और प्यास मिटाते हैं। तो इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि संपत्ति का संचयन अपने लिए न करके दूसरों की सहायता के लिए करना चाहिए। संदेश है कि पेड़ और सरोवर की तरह ही परोपकारी बनो। जी हाँ बच्चों, क्या कहा है रहीम जी ने, बहुत ही अच्छा दोहा है कि जो पेड़ होते हैं वो अपना पानी अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं। पेड़ों पर रसीले और मीठे फल लगते हैं जिन्हें खाकर हम तृप्त होते हैं। उसी प्रकार सरोवर का पानी सरोवर स्वयं नहीं पीता है, उस पानी से मनुष्य की, जानवरों की, पशु पक्षियों की प्यास बुझती है। तो रहीम दास जी कहते हैं कि जिस तरह एक पेड़ और एक सरोवर का पानी, पेड़ के फल और सरोवर का पानी दूसरों के लिए होता है, उसी तरह हमें भी अपनी संपत्ति को अपने लिए इकट्ठा नहीं करना चाहिए बल्कि दूसरों के लिए इकट्ठा करना चाहिए, यानी परोपकार के लिए अपने पास उसको इकट्ठा करना चाहिए। चलिए अगला दोहा है। कह रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौड़ी जे कसे ते सांचे मीत। एक बार फिर से दोहराते हैं दोहा। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे ते सांचे मीत। रहीम दास जी कहते हैं कि संपत्ति होने पर तो सभी आपके सगे संबंधी और मित्र बनते हैं। कह रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, यानी संपत्ति होने पर यानी धन दौलत होने पर सब आपके मित्र और दोस्त बन जाते हैं। उनकी कसौटी मुसीबत के क्षणों में ही होती है, यानी उन्हें मुसीबत के समय में परखा जा सकता है कि कौन सच्चा मित्र और सगा संबंधी है।
जो हर प्रकार की मुसीबत में आपका साथ निभाते हैं और आपका साथ नहीं छोड़ते, वही सच्चे मित्र कहलाते हैं। विपत्ति कसोटी जय कैसे तेई सांचे मी, यानी जो विपत्ति में आपका साथ दे वही आपका सच्चा मित्र है। दूसरा दोहा है, रहिमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे ते ना जुरे जुरे गांठ पर जाए। रहिमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे ते ना जुरे जुरे गांठ पर जाए। अर्थात रहीम जी कहते हैं कि क्षणिक आवेश में आकर प्रेम रूपी नाजुक धागे को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। मतलब जरा सी बात पर क्रोध आने पर हमें प्रेम रूपी संबंधों को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर धागा टूट जाए तो पहले तो जुड़ता नहीं, और अगर जुड़ भी जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है, यानी कि रिश्तों में मधुरता नहीं रहती है। इसलिए हमें कभी अपने रिश्तों को खराब नहीं करना चाहिए। अगला दुआ है, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें बोल, रहिमन हीरा कब कहें, लाख टका मेरो मोल। एक बार फिर से पढ़ते हैं दोहा। बड़े बड़ाई ना करें, बड़ो न बोलें बोल, रहिमन हीरा कब कहे, लाख टका है मेरो मोल। अर्थात जो सचमुच में बड़े होते हैं, वे अपनी बड़ाई नहीं किया करते, बड़े बड़े बोल नहीं बोला करते। कभी रहीम दास जी कहते हैं कि हीरा तो सबसे ज्यादा कीमती होता है, तो हीरा कब कहता है कि मेरा मोल लाख टके का है, कि मैं सबसे ज्यादा कीमती हूँ। कभी हीरे ने ये बात कही है? इसका अर्थ इस प्रकार समझते हैं कि छोटे और छिछोरे आदमी ही बातें बना बना कर अपनी तारीफ के पुल बांधा करते हैं। जो सच में बड़ा होता है वो कभी अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करता है। अगला दोहा है, दोनों रहिमन एक से, जो है बोलत नाय, जान परत है काक पिक, ऋतु बसंत के माई। अर्थात कौवा और कोयल दोनों रहिमन एक से, जो है बोलत राय। कौवा और कोयल रंग में एक समान होते हैं, कौवा भी काला होता है कोयल भी काली होती है। जब तक ये बोलते नहीं है तब तक इनकी पहचान नहीं हो पाती है, नहीं पता चलता है कौन कौवा है और कौन कोयल है। लेकिन जब वसंत ऋतु आती है तो कोयल की मधुर आवाज से दोनों का अंतर स्पष्ट हो जाता है। बसंत ऋतु में कोयल गाती है ना मीठी वाणी में, तो तब पता चल जाता है कौन कोयल है और कौन कौवा है। अगला दोहा है, रहिमन देख बड़ेन को लगुन दीजिए डार, जहां काम आवे सुई कहां करे तरवार। एक बार फिर से दोहराते हैं, रहिमन देख बड़ेन को लगुन दीजिए डार, जहां काम आवे सुई कहां करे तरवार। अर्थात रहीम दास जी कहते हैं कि बड़े के समान छोटे को कभी कमतर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जो काम सुई कर सकती है वह काम तलवार से कभी नहीं हो सकता। जी हाँ बच्चों, हमें ये नहीं समझना चाहिए कि जो बड़ा है वही ज्यादा समझदार और बुद्धिमान हो सकता है, ऐसा नहीं है। छोटा व्यक्ति या छोटा भी अपने आप में गुणों को लेकर परिपूर्ण रहता है, यानी कि छोटे और बड़े में हमें कभी अंतर नहीं करना चाहिए। जो काम बड़ा व्यक्ति नहीं कर सकता उसे छोटा व्यक्ति कर सकता है, जिस काम को छोटा व्यक्ति नहीं कर सकता उसे बड़ा व्यक्ति कर सकता है। इसलिए कभी भी अपने से छोटों को अपने से कम नहीं समझना चाहिए। तो बच्चों, ये थे नीति निर्झर पाठ के रहीम दास जी के दोहे।
आप इन सभी दोहों को अच्छे से याद करेंगे और अर्थ सहित इनका उच्चारण करेंगे और अपनी वीडियो बनाकर व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करेंगे। धन्यवाद।